तो गाइस जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगली वीडियो जो है जीप मार्केट की मोगा की आने वाली है, तो मैं अभी मोगा पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हो यहां पे पीछे जो है मोगा बस स्टैंड से मैं पहले ही पहुंच उतर गया हूं बस से, और देखते यहां पे जो मार्केट है वो मार्केट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आपको। वीडियो पे जो है ना शुरू से अंत तक बने रहना, ठीक है। जैसे कि वह पीछे जो देख रहे हो कि वो भी एक मतलब यहां पे ऐसे नहीं है कि मतलब एक मार्केट पूरी की पूरी मार्केट बनी हो, ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे फिरोजपुर रोड पे जो मार्केट दिखाई थी मैंने कार की मार्केट, उस तरह से नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग शॉप है, अलग अलग जगह बना हुआ, उन लोगों का स्टैंड है और वहीं पे जिनके पास जितनी गाड़ियाँ हैं जितनी जीप हैं वो सभी इस तरह से बेचते हैं। शॉप है जहाँ वो अपनी शॉप के बाहर जितनी भी गाड़ियाँ होती है, जैसे किसी के पास 20 स्टॉक है या 20-30 है, जितने भी गाड़ियाँ होती है ना वो अपने शॉप के ना आगे ही लगा देते हैं, और मतलब इसलिए जो है ना अलग अलग जगह पे है, एक जगह पे मार्केट पूरी पूरी नहीं है। जैसे कि वो पीछे देख सकते हो वहाँ पे है, और इसके बाद जो है ना इस साइड से देखो तो उसके पीछे जो है दुकान वगैरह उस साइड है। तो मतलब इस तरह से अलग अलग जगह पे है, एक जगह पे नहीं है मार्केट पूरी की पूरी जिनकी शॉप। तो गाइस जैसे ही आप ट्रैक्टर बाजार को पार करते हैं तो 2-3 किलोमीटर आगे जीप मार्केट आती है। जीप मार्केट में एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे है। तो ये जैसे कि यहाँ पे है सहनसा कार बाजार, तो यहाँ पे इनके पास जो जितने भी गाड़ियाँ होती है यहाँ पे लगी होती है। इसके बाद थोड़े से आगे जाएंगे तो अलग कार बाजार का नाम दे दिया गया है, यानी 10 कदम की दूरी पे ही अलग अलग कार बाजार का नाम दिया हुआ है। अलग अलग आपको लोग मिलेंगे बेचने वाले, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे ऐसे मार्केट लगी है, दोनों रोड के दोनों साइड है, इधर भी है उस साइड भी है, दोनों साइड है मार्केट। तो जहाँ भी आपको सही लगता है तो आप जाके रेट पता कर सकते हो। वैसे मैंने वीडियो कली दुकान की मैंने बनाई हुई है, जो कुछ ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा गाड़ियाँ थी, जैसे कि किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है, 10 है, 20 है, जो जिसके पास सही लगा मुझे उनकी वीडियो बनी हुई है, तो चैनल पे अपलोड हो भी चुकी है, कुछ होने बाकी है, तो ये इस ब्लॉग में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे आप जीप मार्केट पार करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगी गाड़ियों की मार्केट, सेकेंड हैंड गाड़ियों की मार्केट जो आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी दूरी आपको जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। तो आप जैसे क्रॉस कर जाते हो 1 किलोमीटर आगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ियों का बाजार, ठीक है। और जैसे ही सेकेंड हैंड गाड़ियों का बाजार जो है, आपको पुल के ऊपर नहीं चढ़ना, पुल के नीचे ही नीचे जाना है। और जैसे ही नीचे जाते हैं तो पुल के जो नीचे ही मिलेगा आपको स्कूटरी, मोटरसाइकिल, बुलेट, इस सब चीज़ का जो है सेकेंड हैंड दुकान है, मार्केट लगी है, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे आपको मिलेगा। तो गाइस जैसे ही न्यू सहनसा कार बाजार आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे पुल आ जाता है, पुल के नीचे भी मार्केट लगी है। आपको पुल के ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे ही से जाना है, नीचे जैसे पूरी मार्केट लगी हुई है, और मार्केट के अंदर आपको जीप वगैरह की मार्केट भी दिखेगी कुछ, ठीक है। और इसको जब क्रॉस कर जाते हैं तो आपको सेकेंड हैंड जो गाड़ियाँ हैं उसकी मार्केट दिखेगी, और वो पूरी बाजार की जो वीडियो है ना, कल्ले की वीडियो बनी हुई है। जैसे आप देख सकते हो ये पूरी मार्केट है गाड़ियों की, तो इसकी जो है ना इसके अलग से सेपरेट एक वीडियो बनी है, तो वो भी अपलोड होनी बाकी है उसमें। यानी हर एक जगह की आपको जीप मार्केट की भी अलग से वीडियो बनाई है। एक शॉप पे जाके जो अच्छे दुकानदार थे जिनके पास ज़्यादा स्टॉक होती है गाड़ियों की, उनके पास वीडियो बनी हुई है। एक दो जीप मार्केट की है, एक कार मार्केट की है, एक बाइक मार्केट की है, ठीक है, एक ट्रैक्टर बाजार की है। तो ये सारे पे कली वीडियो जो है अपलोड होनी बाकी है, कुछ तो अपलोड हो गई है, कुछ होनी बाकी है। तो ये है सेकेंड हैंड कार बाजार की वीडियो। और इसके आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना आप तो आपको मिलेगा स्कूटर, मोटरसाइकिल। तो गाइस ये है न्यू सहनसा कार बाजार से थोड़ा सा आगे जाएंगे, मतलब सेकेंड नंबर का जो पुल आएगा उसके नीचे की मार्केट है। यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल, एक्टिवा और बुलेट वगैरह जो है सेकेंड हैंड बिकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, सेकेंड हैंड बिकते हैं गाड़ियाँ। तो मेरा कोशिश था कि इस ब्लॉग में आपको पूरी की पूरी जो मोगा की मार्केट है ना, गाड़ियों की मार्केट, जीप मार्केट, वो पूरा कवर करवाने की कोशिश थी। पहले मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी बनाऊंगा, लेकिन ये पूरी बनी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है भी आपको क्लियर हो सके, ठीक है। वैसे कली वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आपको चैनल पे अपलोड कुछ हो भी गई है, कुछ होनी बाकी है, जीप मार्केट की भी और गाड़ियों की जो सेकेंड हैंड मार्केट है उसकी भी, ठीक है। वो सभी चीज़ें जो अपलोड होनी बाकी भी है और हो भी गई है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो वैसे इस वीडियो में बनाने का मकसद यही था कि आपको पूरी मोगा की जो मार्केट है उसका पूरा एक झलक देखने को मिल जाएगा, कि उसमें मार्केट में कहाँ पे क्या है, कौन सी मार्केट कहाँ पे है, वो सारी झलक एक तरह से दिखाया है मैंने। और जो सिंगल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जीप मार्केट की एक दुकान की वीडियो बनाई है, काफ़ी फेमस दुकान थी, जो फेमस दुकान थी, फेमस दुकानदार थे, उनकी वीडियो बनाई हुई है, उनसे बात कर रही है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिलेगा।
तो वो वीडियो जरूर देख लेना। जीप मार्केट की भी है, कार मार्केट की भी है।